कह तो दो। अरे कहो तो सही। हाँ ऐसे बाप आत्मा बस अपनी शुगल मेले में लगी रहती है ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेक ब्लॉग और मैं जा रहा हूँ किचन में। स्टार्ट हम ब्लॉग यहीं से करेंगे। आज बहुत अच्छा जो है वो खाना बना है, क्योंकि मैंने वो भी ब्लॉग में शूट करना था लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर सका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम था। ईद वाले जो दिन है, ईद तो गुजर चुकी है, ईद का तीसरा दिन है, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे करने थे, वो निपटाने थे, वो उसमें मैं बिज़ी था। तो खाना बहुत अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही हैं, तो देखते हैं कि खाने में जो है वो क्या है। तुम्हारे खाने में क्या बना है? सिंगापुरियन राइस बने हैं और ये देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या है? हाँ ये मंचूरियन है, ये इसका जो है वो वेजिटेबल है, और ये स्पैगेटीज हैं। अब ये इसके अंदर कुछ ना कुछ करके जो है वो बनाया जाएगा, तो खाने में बहुत मज़ा आने वाला है इस बार। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने पूरा शूट क्यों नहीं किया, लेकिन व्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ईद जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, लॉकडाउन के असरात जो हैं वो दोबारा नज़र आ रही हैं कि लॉकडाउन दोबारा शुरू होगा यार ना ही शुरू हो, बड़ा मसला होता है कसम से। बड़ी अजीब किस्म की फीलिंग्स आती हैं जब आप बाहर निकलते हो, सब बंद, लगता कि ईद वाले दिन भी सब बंद ही रहा। तो अब ये हैं होने लगा है ये चावल, इसके अंदर इसको डिश आउट करने लगे हम। ये इसमें डिश आउट हो गया और उसके बाद इस लेयर होगी कोई है। बड़े मज़ेदार सी चीज़ है। मारूफ ने मुझसे पूछा था कि वो क्या बनाए, मेरा था चाइनीज़ राइस, लेकिन मारूफ और मैंने जो हाँ, लेकिन ये सिंगापुरियन है ना, जरा सा टच टच दे दिया है सिंगापुर का, था चाइनीज ही, इन्फ्लुएंस कर दिया ऐसे सिंगापुरियन में करके। भूख भी बहुत लगी हुई है। अब ये जो है ये इसके अंदर मिक्स होने लगा है। ये बहुत गर्म है, एक मिनट पकड़ लेते हैं इसे। देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा नज़ारा, हाँ, खुशबू भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। एक एडिशन गलत हो गई है बस, आलू की, बाकी सब आलू डाले। हाँ वो असल में ना मैंने काटे हुए थे और मैंने आलू तो मैं असल में वो रेसिपी में होते हैं लाजमी। दरअसल बनाना कुछ था ना, बन कुछ गया, एक तो थोड़ा देसी टच से काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर ये डालो। हाँ जी स्पेगेटी जाएगी। वाओ ये सिंगापुरियन टच है जी जनाब, नीचे सारा चाइना का, ऊपर सारा सिंगापुर। ये क्या है? ये मैंने मायो गार्लिक सॉस बनाया है। मायो गार्लिक सॉस बीच में ये भी बड़ा गर्म है, ये भी इसके अंदर ऐड करना है कि ये हम अलग से? अच्छा हाँ नहीं, इसके अंदर ही ऐड होगा। ठीक है, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ लग रही है यार। आई होप कि टेस्ट भी अच्छा हो, मैंने टेस्ट किया नहीं है अभी तक। वाओ खाने में मज़ा आया। तो भी एक्चुअली यहाँ पर जो है ये तैयार हो रही थी, अब ये लास्ट टच इसमें दोबारा इसका सॉस का ऊपर करना है। यहाँ पर तैयार हुई और टेबल पे बैठ के हम लोगों ने ये खाना है, क्योंकि
यहाँ पर तो हम निकाल के नहीं खा सकते, टेबल पे लगेगा और फिर ये हम खाएंगे। बाहर जो है वो क्या सीन है देखते हैं। बाहर माँ फातिमा, माँ फातिमा, माँ फातिमा आगे करिए। हाँ माँ फातिमा आने, चलो खाएं बैठ के। बहुत बाहर जो है वो कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ ये सीन है कि मशीन लगाई हुई है मारुख ने, और ईद पर भी जो है वो चैन से नहीं बैठा गया, मशीन लग गई। ये हमारे घर में जो है वो सफाई सुथराई पे बड़ा तरह फोकस किया जा रहा है और किया जाता है, तो इस वजह से गर्मी बहुत है। ऊपर वाला घर है हमारा, गर्मी बहुत होती है यहाँ पर, और इस वजह से ये कूलर जो ठीक हुआ था ये काफ़ी हमारा जो है ना वो साथ दे रहा है, लेकिन ये भी थोड़े अरसे में साथ छोड़ जाएगा, तो फिर हम जो है वो एसी की तरफ आएंगे। खाना लग गया जी? कब तक लगेगा? थोड़ी देर में खाना लग जाएगा। इतनी देर में माँ फातिमा के पास चलते हैं। माँ फातिमा, माँ फातिमा को मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा इसके ईद के तकिए शकिए लगा के ये ना हरा लेटी हुई है, बड़ा अच्छा है। देखो माँ फातिमा, माँ फातिमा जरा हंस के दिखा दो, दिखा दो, हंसो तो सही। और नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गंदा होता है। हाँ माँ फातिमा ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत प्यारी लग रही है ये। हाँ हंस दो ज़रा, देख देख के कुछ कह तो दो, कुछ कह दो, जो तुम कहती हो अपनी ज़बान में कह दो, कह दो, कह तो दो, अरे कहो तो सही। हाँ ऐसे माँ फातिमा बस अपने शुगल मेले में लगी रहती है ये, इसको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये जब मैं इसको काफ़ी दफ़ा डांटता हूँ तो ये मेरे साथ बोलती है कि मुझे क्यों डांटा जा रहा है। बड़ी क्यूट सी है ना माँ फातिमा। और हमारा जो है वो हमारा कब लगेगा है? तो जी टेबल पर लग चुका है सिंगापुरियन राइस, तो अब बस हम ये खाना शुरू कर रहे हैं। मारुख और मैं जो है यहाँ बैठ के खाएंगे। रबिया का रोज़ा था आज, तो रबिया पहले खा चुकी है, मारुख और मैं ही इसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो बाद में भी हम 7-Up ले, अभी हम इसके खाने का मजा लेंगे। टेस्ट करते हैं जी कैसा बना। देखने में काफी अच्छा और हेल्दी लग रहा है, चखने में कैसा ये देख। मज़ेदार, जबरदस्त। इसका सारा ग्रेड जो है वो मारुख पे जाते हैं। बहुत मज़ेदार बनाया, बहुत ज़बरदस्त। फॉग होना चाहिए था यार, फॉग से दूसरा नहीं मैं पकूँगा ऐसे, वो तो चाइनीज़ फिर जो यूज़ पकड़ते हैं उससे खाना। ब्लॉग को ज़रा स्टॉप कर, चलिए मैं ब्लॉग को स्टॉप कर देता हूँ कि मैंने खाना खाना है, उसके बाद मैं दोबारा
उसे स्टार्ट करो। ये भी मैंने लाइट सब बनाया, बड़ा मज़ा लगा। तो खाना हम लोग खा चुके हैं, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा मज़ा आया खाने का। और एक शिफ्ट में बाद में भी लगाऊंगा खाने की, क्योंकि मज़ेदार है। जब खाना ज़्यादा मज़ेदार होता है तो मैं दो दफ़ा खाता हूँ उसको। बहुत टेस्टी था, अमेजिंग। ये है कि इसके बाद घर में से आइसक्रीम खाने को चल जाए। वो नहीं बनाने आती, वो हम ले आएंगे आइसक्रीम, हम बाहर से जाके लेके आएंगे, वरना हम खा के आते हैं, क्योंकि गाड़ी है नहीं। अम्मा अब्बा जो है वो हमारे लाहौर गए हुए हैं और गाड़ी पर ही, तो ये है कि हम जाके लेके आएंगे और फिर हम आइसक्रीम खाएंगे। तो मारुख ने मेरे लिए एक और सरप्राइज़ रखा है, तो देखते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। कि मारुख बड़ी देर से करिए, मैंने आपके लिए चीज़ भी बनाई है, हालांकि मैंने आइसक्रीम खानी थी, मेरा मीठा खाने का बड़ा दिल चाह रहा था, मैं काम कर रहा था, लेकिन मारुख ने मेरे काम करते वक्त ऐसी चीज़ बनाई है, पता नहीं क्या चीज़ है, वो देखते हैं। हाँ मारुख बताओ क्या चीज़ बनाई सरप्राइज़ आपको? तो देखते हैं, वाओ, ये मारुख ने बनाए हैं गुलाब जामुन। देखने में तो ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि ये कितने अच्छे हैं। लेकिन यार ये वाला करते हैं, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम मार्केट में बनाए और काफ़ी मज़े के बनाए। इनकी शेप भी वैसे ही है, इनकी लुक भी देखें वैसे ही है, शीरा अंदर नज़र आ रहा है और वैसे ही है, बिल्कुल अंदर से भी वैसे ही है। और इसकी रेसिपी जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, बड़ा मज़ेदार है। वाओ, इसकी रेसिपी जो है वो मारू किचन पे, गुल किचन पे शेयर कर देगी आपसे, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ दिया गया है, क्योंकि मेरा मीठा खाने का दिल चाह रहा था और मैं बैठा हुआ जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहा था। बहुत मज़े के बने। दो चीज़ें बनाई है जिसमें से सिंगापुरी राइस अभी पड़े हुए हैं जो मैंने दूसरी शिफ्ट लगानी है, ये और ये। वाओ अमेजिंग, ईद का तीसरा दिन शानदार बनाते हैं हमारे अपने। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा आज के लिए, इतना ही रखते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।